देखिए देश में जो स्मोकिंग के खिलाफ पब्लिक प्लेसेस में और बहुत बड़ा कानून आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने दिल्ली में कानून बनाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दिल्ली जैसा कानून सारे देश की सब सरकार को बनाना चाहिए, केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। बन चुका है कोटवा के नाम से आप जानते हैं। और अभी राज्य के अंदर 28-30 प्रदेश ऐसे हैं जिसको के इत्यादि को बैन कर चुके हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी सेल को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, मुख्यमंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को भी व्यक्तिगत चिट्ठी भी लिखी है कि तम्बाकू के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, जहाँ जहाँ बैन नहीं है उसको बैन करना है और इस देशव्यापी कानून को और सख्त बनाने के लिए भी हम लोग जो है आने वाले समय में हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कराना, ये सालों साल से एक प्रकार से जो मिशन के रूप में चला रहे थे, बहुत कुछ काम उनके कारण हो गया। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो रहा है, हो गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को जब वो दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री थे तब से उनको ये श्रेय जाता है कि एक मिशन हाथ में लिया तो उसको पूरा कैसे करना। और आज वो ENT सर्जन है ये भी अभी मालूम है, लेकिन मेरी यही इच्छा थी कि अगर डॉक्टर दीपाल धारकर जैसा व्यक्ति वो यहाँ एक मिशन लेकर के चले। छोटी सी बिल्डिंग थी, बहुत कठिनाई आती थी उस बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए, उस समय में आई थी और मैंने उनको भी इतनी मेहनत करते देखा है। मैंने देश के सर्वोच्च स्वास्थ्य प्रतिनिधि, स्वयं एक सर्जन, एक सौम्य एंड सहज व्यक्तित्व, देश के मंत्री नरोत्तम जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सरपंच महोदय और इस सभागृह में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यगणों का मैं सम्मानपूर्वक धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं। डॉक्टर दलीप आचार्य जी, द प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश IMA, डॉक्टर बापट, डॉक्टर जैन, और आई वुड से 13 इयर्स बैक इन 2001 व्हेन आई वाज द नेशनल कन्वीनर ऑफ BJP डॉक्टर सेल, एंड आई यूज्ड टू कम टू इंदौर आल्सो, डॉक्टर भरत अग्रवाल वाज एट दैट टाइम अवर President here with Ravi Verma and others. We completed 100 years of our existence in Delhi Medical Association. We celebrated. We were witness to the centenary celebrations of Delhi Medical Association. I enjoy that privilege in the sense that IMA was born in 1928. The organization to which we belong, that was born 14 years earlier to IMA.